कक्षा 10 विज्ञान आपका हेडिंग है रासायनिक समीकरण को अधिक ज्ञान वर्धक बना, ठीक है, रासायनिक समीकरण को अधिक ज्ञान वर्धक बना। तो आपका पहला हेडिंग है अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था। कहने का मतलब अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता। कहने का मतलब जो अभिकारक होता है, उत्पाद जो उससे प्राप्त होते हैं अभिकारक से, तो उसमें कौन कौन से संकेत प्रयोग करते हैं, उस संकेत के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे आज। देखते हैं आप ठोस के लिए, जैसे कोई पदार्थ ठोस है, ठोस के लिए क्या होगा, यस लगाएं, किसके द्वारा दिखाएंगे, यस के संकेत के द्वारा। द्रव के लिए लिक्विड से बोलते हैं, लिक्विड के लिए यस दर्शाएंगे, स्मॉल यस। जली विलयन के लिए जिसे बोलते हैं इक्वस जली विलयन, इसे हम एक्यू के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है। गैस के लिए आपका स्मॉल जी के माध्यम से दिखाते हैं, अथवा ये आपका तीर का निशान, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, माने तीर के माध्यम से क्लॉकवाइज दिशा में हम दिखाते हैं। कब, जब गैस के लिए, गैस के लिए आप जिसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अथवा आप तीर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, ठीक। अभिकारक और उत्पाद से जो अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप के लिए हम यस के द्वारा दिखाते हैं अवक्षेप, ठीक, यस के माध्यम से, या पीपीटी के माध्यम से, इसके माध्यम से पीपीटी के माध्यम से, या आपका एंटी क्लॉकवाइज, तीर को नीचा, ठीक है, या कैसा है तीर आपका नीचा है, वो क्या था, ऊपर की दिशा में था, उसे क्लॉकवाइज बोला, इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से दिखाते हैं। आज संकेतों का प्रयोग करते, ठीक है, कभी कभी रिएक्शन करते हैं तो पीछे यस लिखा रहा था, यस लिखा रहा था, रिएक्शन नहीं आता, क्या क्या ठोस है, क्या द्रव है, क्या जली विलयन है, तो इन संकेतों के माध्यम से आप समझ जाएंगे इस रिएक्शन करा रहे हैं, इस रिएक्शन के पीछे यस लिखा है तो ठोस होगा, यस लिखा है तो द्रव होगा, और जी लिखा है तो गैस होगा, ना, तमाम संकेतों के माध्यम से हम आपको परिचित कराया। आज चलते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे आपका 2Na, 2Na क्या है, सोडियम है ना, सोडियम को स्मॉल एस के माध्यम से दिखाएंगे, प्लस 2H2, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है, द्रव है, तो हम स्मॉल एस के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक है। अब रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2NaOH, क्या बन जाएगा, 2NaOH, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या है, जली विलयन, यानी इक्वस है, इसे हम AQ के माध्यम से दिखाते हैं, AQ के संकेत के माध्यम से हम दिखाते, प्लस H2 क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, गैस के माध्यम से निकल रहा है, ठीक है, इसे हम इसे दिखाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा आपका है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो उसे तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक क्रिया का दर को बढ़ाता और घटाता है, ठीक है, वो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है ना। तो तीर के ऊपर जब रहेगा तो हम क्या कहेंगे आपका, यदि किसी रासायनिक क्रिया में संक्रियण ऊर्जा परिवर्तन के लिए किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं। तो प्रेरक कहाँ होता है, तीर के ऊपर होता है, ठीक है, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2+H2, ठीक है, इसको जब रिएक्शन कराएंगे, देखिए तीर के ऊपर क्या लिखा है, PT, ना, ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका जो है उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा हम बाहर तोड़ेंगे रिएक्शन को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। आज के लिए इतना ही।